Hi guys, till now we have covered basic structure of C program, basic operators, conditional constructs like if else, switch case and programs related to those stuffs, and then we covered iterations or looping, also called looping, in which we have discussed three kinds of loop: for loop, while loop, do while loop, and all the variety of programs related to loopings. For example, reverse digit, table printing, prime number checking, all those stuffs we have already covered. Today I am going to start new topic, which is functions. So first of all, let us see what is function. जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, I have already written functions in C are nothing but sequence of programming instruction written to accomplish some task or to solve some problem. क्या मतलब हुआ इसका? यानी function जो है just sequence of instruction है. जैसा कि अभी तक हम लोगों ने programming जितनी भी programming करी, अभी तक जितने भी program बनाए, odd even checking के, दो number के sum करने के, area calculation का, perimeter calculation का, ये सारे जो हम लोगों ने program बनाए, उन सब के अंदर हमने क्या किया था, हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे थे. और वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा था? लिखा इसलिए था ताकि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी. जैसा कि यहाँ लिखा है, टू अकॉम्प्लिश सम टास्क और टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, दो नंबर का जोड़ना, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना, ऑड इवन चेक करना, टेबल प्रिंट करना, सब में एक प्रॉब्लम दी गई थी कि हमको ये काम करना है, और उसके लिए हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे थे प्रोग्रामिंग के. तो बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शंस को भी हमने वही वैसे ही डिफाइन किया. फंक्शंस इन सी आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन टू अकॉम्प्लिश सम टास्क. तो यानी अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, यही सारे टास्क जो अभी हमने नाम लिए, अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो हम जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. नाउ द थिंग इज कि अभी तक हम लोगों ने ये सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे और प्रोग्राम बनाया, और वो भी एक टास्क कंप्लीट कर रहा था. तो फिर फंक्शन में क्या स्पेशलिटी है, ये दिमाग में आ सकता है. तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने उसमें भी एक फंक्शन यूज़ किया था, विच वॉज मेन फंक्शन. जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखे उसमें मेन फंक्शन जरूर था. हर फंक्शन मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था वो मेन फंक्शन का प्रयोग करके किया था. और वो मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहाँ से किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. तो याद रखिए, एटलीस्ट किसी भी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो जरूर होगा विच इज़ मेन, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, राइट. और उसके अलावा इन जनरल हम फंक्शन को किसी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है. तो हमारा देखिए, बाकी प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने करे उसके अंदर भी ये बात लागू होती है. मेन एक फंक्शन था जिसके अंदर सारे हम लोग ने इंस्ट्रक्शंस लिखे थे और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन हम करते क्यों हैं, क्यों फंक्शंस हम बनाते हैं, ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम देखेंगे कि क्या एडवांटेज है फंक्शंस. अगर हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, मेन के अलावा भी और फंक्शंस हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है. अगर हमें एडवांटेज है तभी हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द advantages of function, why do we need functions, variety of functions are required in the program, why, ये हम देखते हैं उसकी क्या need है. okay,